लव कनेक्शन टूटते हुए एक्चुअली पूरी सौम्या के लिए सडनली सब कुछ टूट गया, क्योंकि जब शादी को वो लोग नहीं मान रहे थे, बट सडनली उसे रियलाइज हो रहा है कि वो शादी बहुत इम्पोर्टेंट थी और उसको बहुत शीज ब्रोकन, और वो जाके रो रही है, रूम में भी जाके रो रही है, और वो काफ़ी अपसेट है कि रुद्र को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ऐसे कैसे उसको सडनली ओवर नाइट यू नो इज इन केयर, एंड वो उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है काफ़ी। तो रुद्र ने इतना सडन डिसीजन क्यों ले लिया? आई डोंट नो, पता नहीं था सडन डिसीजन क्यों लिया। एक्चुअली वो ओ से बहुत प्यार करता है और पापा से भी, उसके पापा से भी करता है, तो वो एक्चुअली बेसिकली ओम भैया और पापा की लाज रखने के लिए वो ऐसा डिसीजन लेता है, बट दैट्स नॉट फेयर ना, वो मुझे भूल गया तो उसे भूलना नहीं चाहिए ना मुझे। सौम्या मुझे लगता है सिर्फ रोएगी अब तक, आई डोंट नो क्या होगा। आई एम श्योर दिखेगा, अभी तो शुरुआत है स्टोरी की, अभी डीबी ऑल्सो हैपनिंग, दिल बोले ओवर इज ऑल्सो हैपनिंग, एंड इश्क बाज भी, तो अब तो शुरुआत है आई एम श्योर। दिल बोले ओबरॉय में मज़ेदार और ट्विस्ट तो पता नहीं, क्योंकि अभी शुरुआत ही इतनी, मतलब शादी रिवील हो जाएगी और वो सब हो रहा है, मतलब शादी हो रही है उसकी और ये सब हो रहा है, तो मुझे नहीं मज़ेदार क्या होगा, ड्रामा बहुत होता है ये पक्का है। जैसे कि रुद्र के बीच में भी एक ट्विस्ट आ गया, वैसे ही ओम की लाइफ में ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में, मुझे कोई आइडिया नहीं है, इनफैक्ट एक्चुअली स्टोरीज भी नहीं आ रही, इमीडिएटली मैं पढ़ रही हूँ और शूट करने जा रही हूँ, सो आई हैव नो आइडिया। सो लास्टली अपने व्यूअर्स को कहना, मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि आपने जैसे हमें इतना प्यार इश्कबाज में वैसे ही देती रही है, और दिल बोले ओबरॉय को और प्यार देती रही है, और दोनों शोज को बहुत प्यार देती रही है, आपका शो है, हम सबका शो है, सो प्लीज़।